many for TK items. स्वाभाविक रूप से इन गेम्स के कारण पहले भी पर्यटकों के लिए गुलमर्ग एक आकर्षण का केंद्र था, लेकिन मुझे लगता है कि विंटर गेम्स के कारण उसकी प्रसिद्धि और ख्याति और बढ़ी है। मैं केवल एक बात अनुराग जी आपको बताना चाहूँगा कि सामान्य रूप से आप देखेंगे तो स्पोर्ट्स का जो बजट हमारा है, केरल और हरियाणा की आबादी हमसे ढाई गुना है, लेकिन हमारा बजट 1 से 13 करोड़ कम है, 1 से 14 करोड़ कम है। तो स्पोर्ट्स पर माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश और आपके मंत्रालय के सहयोग से काफ़ी विशेष ध्यान जम्मू कश्मीर में दिया जा रहा है। एक लक्ष्य हम लोगों ने रखा था कि इस साल 50 लाख लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो टारगेट हम लोगों ने फिक्स किया था उसको क्रॉस कर गए हम। तो हर दिन खेल, सबके लिए खेल, कोई पंचायत नहीं है जहां प्ले फील्ड नहीं बन गया, शायद कोई बची होगी जहां जमीन ही न हो। PMDP, मैं प्रधानमंत्री जी का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने ढेर सारी परियोजनाएं स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्लान में जम्मू कश्मीर को दिया था, और मुझे लगता है कि देश के बाकी राज्यों की तुलना में यहाँ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर बन गया है। हर जिले में हमारा स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम है, कहीं एक आध जगह छूटा था तो वो भी काम शुरू हो गया है। ये सच है कि गति पहले थोड़ा धीमी थी, लेकिन अब फुल स्विंग में काम हुआ है और ढेर सारी परियोजनाएं हमने पूरी कर ली हैं, जो बची हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। तो स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर में आगे बढ़े इसको लेकर के पूरा प्रशासन प्रतिबद्ध है, और मैं भारत सरकार के खेल मंत्रालय के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि हर समय पर खेल मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर ने जैसा चाहे उस प्रकार की मदद की है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में कई हमारे खिलाड़ियों ने जम्मू कश्मीर का और देश का नाम भी रोशन किया है। आज वक्त नहीं है कि उन पर विस्तार से चर्चा की जाए, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि पिछले 2-2.5 वर्षों में हमारा पूरा जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स काउंसिल है, एक नई क्रांति, खेल की एक नई क्रांति जम्मू कश्मीर में शुरू हो गई है। एक नियुक्ति का प्रकरण है जो हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, अच्छे स्पोर्ट्समैन को नियुक्ति नहीं मिलती थी, एक नई स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई गई है, और इस महीने के अंत तक कुछ नाम इन लोगों ने चिन्हित किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस महीने के अंत तक उन अच्छे खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी भी हम दे पाएंगे, और गजेटेड पोस्ट भी हमने उनके लिए आरक्षित की है, पहले की तुलना में पदों की संख्या बढ़ाई है। पुरस्कार और इनाम की बात करें तो उस दृष्टि से भी प्रोत्साहन देने के लिए पहले की तुलना में 2.5 गुना 3 गुना सहायता हम सब दे रहे हैं। तो इस दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर खेल और खिलाड़ियों के प्रति जो नज़रिया है प्रशासन का, वो निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि यहाँ के विकास में अगर कृषि का योगदान है, पर्यटन का योगदान है, उद्योग का योगदान है, तो
तो खेल का कम योगदान किसी से नहीं है। और ख़ास तौर से यहाँ अमन और चैन कायम करने में मैं समझता हूँ कि जो युवा गलत रास्ते पर भटक जाते थे, ऐसे अनेक युवा आज खेल के माध्यम से मुख्य धारा में जुड़े हैं। ख़ास तौर से श्रीनगर में एक दो इलाके हैं जहाँ पहले सुरक्षा बल नहीं जाते थे, वहाँ भी अब इस नाम लेने की जरूरत में नहीं, अब वहाँ भी देर रात तक खेल होता है। और मैं स्वयं ऐसे स्थानों पर जाकर के स्टेडियम का इनॉग्रेशन या खेल के कार्यक्रमों में भाग लेना, तो ये स्थिति बनी है और एक सुखद स्थिति है। मैं फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 10 तारीख को जब शुभारंभ होगा विंटर स्पोर्ट्स का, तो जम्मू के साथी भी वहाँ आकर के उसका लुत्फ उठाएँ। केवल देश के कोने कोने से तो लोग आ ही रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अपेक्षा है भारत सरकार के खेल मंत्रालय की, उस अपेक्षा पर हम सब खरे उतरेंगे। गेम्स की शुरुआत जब हुई तो कुल मिलाकर खेलो इंडिया अभियान का एक हिस्सा था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच कि युवाओं की खेलों में भागीदारी और भारत का सॉफ्ट स्पोर्ट्स के माध्यम से एक सॉफ्ट पावर के रूप में उभरना, ये देश और दुनिया में हमने होता देखा है। जहाँ देश में अधिकतर परिवारों में प्रश्नचिन्ह रहते थे कि क्या बच्चे खेल में जाएं या ना जाएं, आज वो सोच बदलने का काम भी पिछले 8 वर्षों में हुआ है। खेलो इंडिया अभियान हो, फिट इंडिया अभियान हो, इसने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहाँ खिलाड़ियों को सुविधाएं दी, वहीं पर खिलाड़ियों के लिए मनोबल बढ़ाने के लिए समय समय पर उनसे बातचीत करना, उनका मनोबल बढ़ाना, बड़े टूर्नामेंट पर जाने से पहले उनसे बात भी करना, आने के बाद अपने घर पर उनको निमंत्रण दे के बुलाना भी, ये शायद आज से पहले बहुत पहले हुआ होता तो देश में बदलाव आ गया होता। अगर मैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स की ही बात करूं, तो 6 दिन का ये विंटर गेम्स, 11 खेलों का, 11 गेम्स इसमें होंगी 11 तरह की, और देश के 29 राज्य यूनियन टेरिटरीज से 1500 से ज़्यादा खिलाड़ी कहीं और नहीं हमारे ही जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आएंगे। और यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों में ना केवल खेलों को बढ़ावा बल्कि पर्यटन को भी एक बढ़ावा मिलेगा। ये 1500 से ज़्यादा खिलाड़ी, बाकी जो ऑफिशियल्स आएंगे, जब ये यहाँ की सुंदरता को देखेंगे, यहाँ की सुविधाओं को देखेंगे, और जो कश्मीर पिछले कुछ वर्षों में बदला है सुविधाओं के रूप में भी, पर्यटकों के आगमन के दृष्टि से भी, रिकॉर्ड पर्यटक आए इस वर्ष उसके कारण भी, यही वापस आकर जब हम कहते हैं द वर्ड ऑफ माउथ, व्हेन द वर्ड इज स्प्रेड वी गेट मोर पीपल, दे नो अबाउट द सर्कमस्टांसेस इन जम्मू एंड कश्मीर, तो शायद यही लोग आपके एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जाके वापस बात करेंगे। और जम्मू कश्मीर में कोई भी आए वो अतिथि देवो भव की, इसकी जो हमारे देश की एक परंपरा है, यहाँ पर भी जो मेहमान नवाजी की जाती है उसको कोई भूल कर नहीं जाता, याद रख के जाता है। मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूँ आदरणीय गवर्नर साहब श्री मनोज सिन्हा जी का और उनकी सारी टीम का कि बहुत कम समय में बहुत शानदार इन्होंने यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। आज मैस्केट लॉन्च पर, पोर्टल लॉन्च पर, लोगो लॉन्च पर, सॉन्ग लॉन्च पर मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और माननीय एलजी साहब का आभार प्रकट करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया और संदेश दिया है पूरे देश में कि आइए, जम्मू कश्मीर आपका इंतज़ार कर रहा है खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए। ये केवल गेम्स नहीं, एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो शायद आपको आने वाले वर्षों में बार बार जम्मू कश्मीर तो बुलाएगा ही। जो हमारी ओलंपिक गेम्स हैं जिसमें एक समर गेम्स, विंटर गेम्स, उसमें भी मुझे लगता है हम भारत को आगे बढ़ाने के लिए सुविधाओं का यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है जिस तरह से गवर्नर साहब ने कहा कि कश्मीर के पंचायत में, गांव में खेलों के मैदान बनना, हर ज़िले में इंडोर स्टेडियम बनना, ये शायद बहुत बड़े बड़े राज्यों में भी नहीं है जो जम्मू कश्मीर में आपने पिछले कुछ वर्षों में किया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।
कुछ और प्रोजेक्ट्स हम जम्मू कश्मीर के लिए कर रहे हैं, जो आने वाले समय में उस पर हम बातचीत करेंगे। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत आभार।